दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है, और ये अपडेट है केवाईसी को लेकर के। आप सभी लोगों को पता होगा कि पीएम किसान में एक केवाईसी किया जा रहा है जो कि डिजिटली वेरिफिकेशन है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाता है और उसे ही केवाईसी का नाम दिया गया है। अगर आप ये केवाईसी नहीं किए हैं तो आप ये केवाईसी कर लीजिए, क्योंकि जो एक केवाईसी का डेट था वो बढ़ा दिया गया है। अब 31 अगस्त 2022, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, डेडलाइन ऑफ ई केवाईसी फॉर ऑल द पीएम किसान बेनिफिशियरी हैज बीन एक्सपायर्ड टिल 31 अगस्त 2022। यानी 31 अगस्त 2022 तक अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाए हैं तो आप 31 अगस्त तक आप करा सकते हैं। बहुत ऐसे किसान हैं जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया है, ये उसके लिए अपडेट निकल करके आया है। अगर आपने केवाईसी कंप्लीट कर लिए हैं तो ये आपके लिए नहीं है। तो अगर आपको पता करना है कि मेरा केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर मुझे कैसे केवाईसी करना है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं केवाईसी से रिलेटेड, आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि माध्यम से आप अपना मोबाइल के माध्यम से ई केवाईसी कर सकते हैं। जो ई केवाईसी मोबाइल से जो प्रोसेस है, वो आधार कार्ड में अगर आपके मोबाइल नंबर ऐड है तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में एक यहाँ पे ई केवाईसी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मेनू खुलेंगे जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ओटीपी वेसेड ई केवाईसी, यानी कि यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है। जैसे आधार नंबर डाल करके आप सर्च करेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओटीपी आता है उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे, 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेना है। और इसके बाद फिर अगला प्रोसेस आ जाएगा कि जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे करेंगे, जो आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर में ऐड है वो उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालना है, फिर केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। जो ये प्रोसेस हमने बताया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो का, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि किस तरह से केवाईसी करते हैं। अगर आपने केवाईसी कर लिए हैं तो केवाईसी ऑलरेडी सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा ऑप्शन, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि मेरा केवाईसी हो चुका है। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो कुछ इस तरह से सर्वर एरर का ऑप्शन आता है, तो आपको रिफ्रेश कर देना है पेज को। अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो फिर से पेज ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे हमारे सामने ओपन हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसान से रिलेटेड हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइटल में टैग किया हुआ है, किसान इन्फो चैनल का नाम है। किसान इन्फो आप सर्च करके आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। उसमें जितने भी किसान से रिलेटेड वीडियोज होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, उसी चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे अधिकतर, और उसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और उस चैनल के माध्यम से आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय।